तो भी ये मेरी शादी की माला है। खुले पैसे मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मेरे पास ये माला रखी हुई थी। तो ये वैसे तो पहले हमने खोली रखी है, लेकिन आज फिर दोबारा इसमें से श्री गणेश कर देते हैं। मेरी शादी की माला लिए भाई, इसको भी उधेड़ देते हैं, इसका दिन आ गया। तो दोस्तों ये देखो ढेर सारे पैसे मेरे शादी के टाइम के, शादी के टाइम से लूटती आ रही है मेरे को ये, और अब भी लूट ही रही है। देखो ये सारे नोट जो है मेरे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज है अष्टमी, कन्या पूजन। प्रसाद वगैरह सब बन गया है, सिर्फ कन्या बुलाने गए हैं शायद, क्योंकि आज के टाइम है ना, कन्या को पकड़ पकड़ के लाना पड़ता है। कोई इधर बुला रहा है, कोई उधर बुला रहा है। और चियार ने सुबह सुबह ढेर लगा दिया है, एक पन्नी तो वो भरी रखी हुई उनकी, एक वहाँ पे रखी हुई है और एक अंदर कमरे में रखी गई हुई है। सुबह से घूम रही है, घर में आई नहीं है। ना कहाँ भागी? कोई बात ना, जब दे देगा सामान उसे। तो कन्या सब्जी के जा चुके हैं, अब आ चुकी है शरद की बारी। 6:30 बजे के गए हुए हैं और टाइम हो चुका है 11 बज चुके हैं। अब आए घर के अंदर, फ्रेंड का बंटवारा चल रहा है। ठीक है बेटा, किसकी ट्रेन चुरा ली है? तो भाई असली बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिन्होंने पूरी ट्रेन चुरा ली है। तो भाई अभी आज धूप बढ़िया निकल रही है, बेड की सफाई करनी है, तो सामान को एक बार धूप लगा दूंगी। सामान डाल दिया धूप में बाहर, बस 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 सारे के सारे जो है ना इतनी भारी भरकम डाल दी इस पे, तार टूट जाएगा। और मैं तो नहीं करूँगा इसको सीधा, फिर बाद में मैं अपने आप करूँगा। तो धीरे धीरे ऐसे एक एक चीज करके दिवाली की सफाई चालू हो चुकी है। मुबारक हो आपको, मुबारक हो, जब आप करोगे जब पता लगेगा सफाई दिवाली की। मैं तो नहीं करवा रहा, लीची को खेलने का काम आ गया। आ जा बेटा इधर आ जा। बेड तो मैंने साफ़ कर लिया, साफ़ करके दोबारा से न्यूज़ को बिछा दिया है। न्यूज़ पेपर चेंज किए हैं, पहले वाले जो है थोड़े गंदे से हो रहे थे, तो नए न्यूज़ पेपर बिछाए हैं। मेन टास्क ये है कि बाहर जो मैंने सामान सूखा रखा है ना, इसमें कंबल दरी वगैरह यहाँ पे रजाइयाँ रखी हुई है, इनको झाड़ झाड़ के अंदर लेके आऊँ, क्योंकि सुबह ही डाले थे मैंने धूप में, तो अच्छे से धूप लग चुकी है। बाहर से सामान उठाने में ही हालत ख़राब होगी। और सामान की तरह ये है सर, मैंने कंबल रख दिए हैं जो सर्दियों में यूज़ होते हैं बेड बेड पे बिछाने के लिए, और धूप बहुत तेज है। उठ गया बेटा, बोली शो अपने पैसे सारे अब सेविंग करने लगी है, लीशो अपनी गुल्लक में डाल रही है भाई। तो भाई आज बन रही है मिक्स वेज की सब्जी। तो अब हो चुका है नेक्स्ट डे यानी दशहरा। तो आप सबको दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैंने मिक्स वेज बनाई थी, 4-5 तरह की सब्जी फ्रिज में थोड़ी थोड़ी बची हुई थी, तो उसी को सब मिला के मैंने सब्जी बना दी थी। तो पहले मैंने सब्जियों को फ्राई किया है, और फिर प्याज टमाटर
अदरक लहसुन हरी मिर्च को सबको एक ही साथ पीस के पेस्ट बना लिया है। फिर कढ़ाई में तेल गरम होने पे दो तेज पत्ता, जीरा और जो मैंने पेस्ट बनाया था टमाटर और प्याज का वो डाल दिया है। उसको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद अपने रेगुलर यूज़ के जो मसाले वही मैंने इसमें यूज़ किए हैं। और फिर उसके बाद जब मसाला अच्छे से पक गया था तो फिर सब्जियाँ जो मैंने फ्राई की थी वो इसके अंदर डाल दिया, बस हल्की सी ही भाप लगाने, क्योंकि आधी सब्जियाँ तो फ्राई करते वक्त ही पक जाती है। तो इस बार पालक और मेथी वगैरह बोने में काफ़ी लेट हो गया था, तो आज शरद की छुट्टी भी थी तो क्यारी तैयार करवा रहे हैं। क्यारी तैयार करवाने के बाद कुछ टाइम छोड़नी भी पड़ती है, तो आज उसी काम में लगे हुए हैं। और लीशु अपने पापा की पूरी पूरी हेल्प करवा रही है। जब भी मिट्टी या ऐसा कुछ काम होता है तो लीशु इस काम में सबसे आगे रहती है, तो उसे मिट्टी वगैरह का में खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वे काफ़ी दिन से कह रहे थे कि भाई झूला लेके आना है इनका, तो आज लेके आएंगे। फाइनली लीशु का झूला आ चुका है, तो आज हम दोपहर के बाद लेने जाएंगे। ठीक है बेटा, पूरे दिन कुरकुरे खाने, पूरे दिन छोड़ दे बेटा, नहीं खाते इतनी सारी चीज़। और ये देखो क्या इसने गुलदस्ता लेके चल रही है अपने साथ में, देखो बेटा किसको देखिए गुलदस्ता अपना, ये कहाँ से उठा के लाइए घास? क्या इसका चारा है? अच्छा इसका चारा साथ में लेके चल रही है। अरे वाह, कितना ख्याल रखती है अपने घोड़े का। तो भाई प्ले बटन लगवा लिया मैंने यहाँ पे, फ्रेम व्रेम सब करवा लिया है। पहले आ गया थोड़ा सा सही है साइज़, ये वाला ये जब तक आया करते जब तक तो सही था साइज, लेकिन अब जो है ना बिल्कुल इसका आधा हो गया, इतना हो गया। तो भाई झूला हमने ये वाला कर लिया है, तो इसने जो है ना काफ़ी कंफ्यूज कर दिया थे कि कौन सा ले लिया। ये ब्लैक वाला था भाई ये, लेकिन इसकी बुनाई थोड़ी ठीक नहीं थी। इसकी बुनाई जो है ना बच्चे थोड़ा अगर खींच देंगे ना ये थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा सारा। इसकी बुनाई अच्छी है, ये थोड़ा महंगा भी है भाई। तो ये करवा दिया, साथ में कुशंस करवा दिए ग्रे कलर के, पैक कर दे भैया। हाँ और क्या चाहिए मैडम? ये वाला तो ये 12,500 का, पर इसमें शीशा ना लगा ना। ये वाला वो कितने का है? वो चेयर ये तो इसमें शीशा लगेगा अंदर, शीशे वाला। ये कितने का है? 12,500 ये वाला। छोटे बच्चे तोड़ देंगे वो थोड़ा मजबूत है, उसके ऊपर शीशा रख लो आप अपना खुद कटवा के ना। हाँ ठीक है, अच्छा लगेगा। टपर ग्लास ऊपर से रखवा लो, बेहतरीन लगेगा। एक तो खाना पीना खाओ गंदा नहीं हुआ, कभी टूटेगा नहीं शीशा। ये बारिश में चल रहा था पार्क चला कुशंस भाई, इसमें रेड भी थे लेकिन हमने ग्रे लिया, थोड़ा कम गंदे होंगे। तो काफ़ी धक्के खाने के बाद हमें ये झूला मिला है भाई। भाई ऊपर जो है ना फॉर्म वगैरह बांध के जब करिए भाई। हाँ झूल लेने झूल लेने। तो भाई इनका चाव मिट गया, बस। तो शाम का टाइम हो चुका है दशहरे पे। वैसे तो बाहर जाने का कहीं प्रोग्राम था रावण देखने का, लेकिन झूले की डिलीवरी लेनी थी तो इसीलिए हम नहीं जा पाए। और झूला जो है हमने ऑर्डर देके बनवाया है, तो उसकी डिलीवरी आज ही हमें लेनी थी। तो मंदिर में ही जो बच्चे हैं उन्होंने रावण बना रखा था, छोटे छोटे बच्चों ने अपने आप ही तैयार किया था, तो वही देखने के लिए आए थे क्योंकि बाहर तो कहीं जा नहीं पाए थे, तो बच्चे थोड़े सा सैड थे। तो शायद इन दोनों को तो नहीं, चिया को लेके आए थे खाली, क्योंकि लीशु तो बम वगैरह से बहुत ज़्यादा डरती है। आई तो वो भी थी देखने के लिए, लेकिन वो वापस आ गई थी घर पर। तो बच्चों ने इसी के साथ दशहरा मनाया। तो आई होप आपको भी ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना,
और मेरे जो चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वाला बड़ा कौन सा? बड़े वाला। अच्छा तो भाई बड़े वाले का नंबर है, स्टिल वेटिंग। अच्छा कोई बात नहीं, उधर से आ जा। रावण की टांगे बड़ी छोटी बनाई है। श्री राम। बड़ा तो ज्यादा नज़दीक इसी के साथ करते हैं वीडियो का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। खेल खत्म, पैसा आजम।